अस्सलाम वालेकुम प्रेप क्लास, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 59। हमने नया यूनिट स्टार्ट किया था, यूनिट नंबर 4, नंबर लाइन। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी मदद से हम लोग कोई भी अमाउंट ऐड करते हैं या फिर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है ये, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यूजिंग द नंबर लाइन। उन्होंने कहा है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि प्लस और माइनस करें नंबर लाइन यूज़ करते हुए। राइट द आंसर, यहाँ पर आंसर्स लिखने हैं। 9 में से 4 माइनस करें। मैं आपको बताया था कि ये नंबर लाइन में हमने 9 में से 4 माइनस करने हैं, तो 9 से हम पीछे आएंगे, 4 नंबर्स हम पीछे आएंगे, और उससे पीछे आते हुए 4 वाले नंबर का जो भी डिजिट आएगा वही आंसर होगा। ये मैं आप लोगों को एक दिखा देती हूँ, ये 9 है, 9 से हमने पीछे 4 नंबर आना है, 1, 2, 3 एंड 4। 4 पे 5 है, तो 5 इसका आंसर है। इसी तरह से 3 + 3 है, एडिशन में हम लोग नेक्स्ट जाएंगे। आगे क्या आ रहा है, 3 है, इसके आगे 3 हम काउंट करेंगे, 1, 2 एंड 3, तो 6 इसका आंसर है। इसी तरह 7 + 2 है, प्लस करना है, तो 7 से आगे हम 2 देखेंगे कौन से 2 डिजिट्स हैं नेक्स्ट। 8 एंड 9, 1, 2, 9 इसका आंसर है। 5 में से 0 माइनस करने हैं, तो हम पीछे की तरफ आएंगे, 5 में से 0 माइनस करना है, तो हम देखेंगे कि 5 में से 0 माइनस करने के लिए 0 है, 0 तो कोई अमाउंट ही नहीं है। 5 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 वाले नंबर पे क्या है, 0, तो इसका आंसर है 0। 9 + 0, 9 में हमने 1 ऐड करना है नंबर नेक्स्ट। 0 तो कोई नंबर ही नहीं है, 0 है, 1 नहीं है, अगर 1 होता तो हम नेक्स्ट जाते। 9 है तो इसके अंदर हम 0 ऐड करेंगे, यानी कि इसी नंबर पे रहेंगे, आगे जाएंगे ही नहीं, तो इसका आंसर 9 ही रहेगा। अगर 10 में से 4 माइनस करने हैं, तो हम 10 से पीछे 4 डिजिट्स काउंट करेंगे, 1, 2, 3 एंड 4, ये वाला इसका आंसर है। 10 में से 10 माइनस करें, 10 है, 10 में से 10 माइनस करें, तो पीछे 10 नंबर्स हम काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पे क्या है, 0, तो इसका आंसर क्या है, 0। इसी तरह 7 में से 5 माइनस करेंगे, तो पीछे 5 नंबर्स आएंगे, 7 में से 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या आंसर है, 2। ओके, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया, और बहुत ईजी है ये यूनिट, और इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्ट लेके करेंगे तो आप लोगों को बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा, और यही अब आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो हमेशा आपके काम आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।